बहुत ही मुश्किल है रोडों का हाल मेरे दोस्तों। ये हमारे काका जी ने भी आज पूरे पसीने निकाल दिए अपने, पूरी कसरत पे हैं काका जी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पाताल गंगा में, और जैसे कि आपने अभी तक देखा मेरे पीछे टनल पाताल गंगा का, हम लोग अभी पागल नाले से पैदल चलते चलते पहुंच गए पाताल गंगा। जैसे कि मैंने आज सुबह से बताया आपको कि अभी तक सुबह से 10 किलोमीटर समथिंग पैदल चल गए होंगे हम, 10 से भी ऊपर चल गए। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप आशा करते कि आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नेगी पीके ब्लॉग, मैं आपका अपना छोटा भाई प्रेम सिंह नेगी पीके। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज का फिर से न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा ट्रेवलिंग टाइप में बनने जा रहा है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको घर से बद्रीनाथ का सफ़र। जैसे कि आपने पहले के ब्लॉग में देखा होगा बद्रीनाथ से घर का सफ़र, तो आज फाइनली हम वापस ड्यूटी पे बद्रीनाथ के लिए तैयार। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही मैं आपको और आपके परिवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आपको इससे पहले का ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारे ग्राम सभा में जो महादीप है उसमें विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था। तो फाइनली आज भंडारा खाने के बाद वापस जा रहा हूँ ड्यूटी पे। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आज घर से बद्रीनाथ का सफ़र, और सबसे पहले तैयार हो जाता हूँ मैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, पहले तैयार होता हूँ फिर आगे बातचीत करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं तैयार हो चुका हूँ बद्रीनाथ के लिए, और सबसे पहले करते हैं नाश्ता, तब चलते हैं बद्रीनाथ। आज देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं हूँ घर पे, अभी कोई उधर दांत रगड़ा कोई कुछ कर रहा। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं बद्रीनाथ के लिए निकल चुका हूँ, अरे पीछे पिंसू और पिंसू की बुए, और चलते हम बद्रीनाथ। ये यहाँ पे ये मेरी मम्मी, यहाँ पर बर्तन धो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। हाँ पिंसु बाई कर दो, भाई भाई बाई करो, बाई करो बाजार मुखने दो ना, ठीक है सीधा बाजार है ना, हम पागा स्कूल जाता पिंच भी तैयार बाजार के लिए। तो दोस्तों फाइनली आज वापस ड्यूटी पे और बद्रीनाथ, और काफ़ी एंजॉय, कुछ दिनों की छुट्टियों में घर पे काफ़ी अच्छा लगा घर वालों के साथ, उठना बैठना खाना पीना यही है हम लोगों की ज़िंदगी, क्या करें दोस्त, अपने घर में मेहमान की तरह आना पड़ता है और मेहमान की तरह जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरियां और हालात सब चीज़ कराती है इंसान को। चलो जो भी है अच्छा है, कुछ तो कुछ करना ही है दोस्तों, बिना कुछ किए भी कुछ ना होगा। तो चलते हैं वापस बद्रीनाथ, और बने रहे दोस्तों आज के ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का ब्लॉग ट्रैवलिंग टाइम में बनने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो ट्रैवलिंग टाइम में रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आजकल बरसात का मौसम है, कहीं पे रोड बंद दिखने को मिलेगी, कहीं पे कुछ मिलेगा। जैसे कि आने वाले दिन देखा होगा आपने ब्लॉग में कि बहुत परेशान रास्ते में, जगह जगह पे रोड बंद, पैदल चलना पड़ा काफ़ी। आज देखते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ पैदल चलना पड़ता है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ अपना गाँव का जो मॉर्निंग व्यू है आपको सुबह सुबह का, और पीछे दिख रहा होगा रोड, वो पीछे दिख रही रोड, मतलब नीचे है रोड, ये दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे जाना है मेरे को। अरे गाड़ी तो मुझे नहीं लग रही इतनी सुबह कोई गाड़ी मिलेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा जहाँ तक चलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं धीरे धीरे, और वजन भी काफ़ी हो गया, जो घर की समोण है समोण भी काफ़ी होगी दोस्तों के लिए, और इसलिए बैग भी थोड़ा भारी हो रहा, अपने कपड़े कुपड़े भी हो गए।
गाड़ी का वेट करना तो बेकार ही है, क्योंकि गाड़ी का पता नहीं आज का बरसात में रोड कहाँ बंद है क्या है, पता चला यहीं पे बैठा रहा गाड़ी के चक्कर में। तो धीरे धीरे निकलता हूँ आगे की ओर, मिलेगी जहाँ भी मिलेगी गाड़ी, घर जाके तो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों उधर से एक बाइक वाला आ रहा है, देखता हूँ उससे पहले रोड में पहुँचना पड़ेगा, और बरसात से फिसलन भी काफ़ी हो रही, कहीं पता चल रहा टांग ना निकल जाए उधर। तो जाता हूँ रोड में, क्या पता बाइक वाला ले जाता है घर तक। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं जो अपना स्टेशन है, स्टेशन पर रोड पे, और जैसे कि मैंने बताया था वो बाइक वाला, वो भाई ने बोला यार कि मैं दो नहीं ले जा पाऊंगा, रास्ता ख़राब है, तो इसलिए मेरे को पैदल ही चलना पड़ेगा, गाड़ी तो है नहीं, तो चलते हैं तब तक रास्ते में पैदल, देखते हैं आगे मिल तो जाएगी गाड़ी कहीं ना कहीं रास्ते में, आगे का मिल भी जाएगी तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो घाट तक पैदल चलते हैं। 5 किलोमीटर है यहाँ से घाट, इतना तो चलता है, चलते हैं घाट तक पैदल प्रकृति का आनंद लेते लेते। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं घर से 4 किलोमीटर समथिंग, अरे पैदल चल रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाड़ी नहीं मिली, मुझे लग रहा कहीं रास्ते में रोड बंद है, अभी तक तो एक भी गाड़ी नहीं आई, नहीं तो गाड़ी ने आ जाना था, क्योंकि जो ये रोड है इस पर 3-4 ग्राम सभा की जो गाड़ियाँ चलती हैं, और उनमें से आज एक भी गाड़ी नहीं मिली अभी तक, क्योंकि रास्ता बंद हो सकता है बरसात के कारण, परसों से लगातार बारिश है उसके चक्कर में रास्ता भी बंद हो सकता है, और सामने ऊपर है स्कूल, वहाँ पर भी लोगों की प्रभात फेरी चल रही, आज 15 अगस्त भी है, और मुझे लग रहा है मार्केट तक तो ऐसे ही मुझे पैदल पैदल चलना पड़ेगा। बाकी दिक्कत ये कि ज़रा मेरे पास सामान भारी हो गया और उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही, कंधा थक गया मेरा बैग को पीठ पे लगाते लगाते हुए, चलते हैं क्या करना है, तो पैदल तो चलना ही है। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद मैं नंदा नगर में पहुंच चुका हूं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे नंदा नगर का मार्केट का छोटा सा हिस्सा, और जैसे कि मैंने आपको बताया 6 किलोमीटर पैदल चलते चलते हालत तो एकदम ख़राब हो चुकी है, गाड़ी मिली नहीं कहीं रास्ते में, और जैसे कि मैंने बताया 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण रोड बंद है, तो जिसके कारण गाड़ी नहीं मिल पा रही है, और पैदल चलना पड़ा नंदा नगर तक। तो दिखाता हूँ दोस्तों आपको एक बार नंदा नगर का खूबसूरत नज़ारा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये नंदा नगर का एक खूबसूरत नज़ारा, छोटा सा हिस्सा, और सबसे पहले मैं नंदा नगर में पहुंच चुका हूं, और मैं नंदा नगर में पहुंच चुका सबसे पहले यहां आके ननप्रयाग की गाड़ी ढूंढता हूं, क्योंकि गाड़ी की बहुत दिक्कत है आजकल, तो ढूंढते हैं ननप्रयाग की गाड़ी। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ नंदा नगर में, आप देख रहे होंगे नंदा नगर मार्केट का अपना स्टेशन का छोटा सा नज़ारा, और अभी मैं बैठा हूँ बिक्कू भाई की दुकान पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नंदा नगर मार्केट का खूबसूरत नज़ारा, और ये बेटी पॉइंट है, यहीं से हमारा जो स्टेशन है गांव का यहीं से, और इस सामने जो अपने गांव वालों की दुकानें हैं, और यहीं से हम लोग अपने गाँव के लिए गाड़ी पकड़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ से अभी मैं जाऊँगा ननप्रयाग स्टेशन पे, वहाँ पे ननप्रयाग की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी मेरे को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन ननप्रयाग स्टेशन पे, और हमारे को मिल गए हमारे यहाँ पे गुरुजी, हमारे मित्र, हमारे गुरु भ्रातरा, मिलाते हैं आपको उनसे पहले, ये हमारे उस्ताद फरसवान जी, और ये भी ड्यूटी पे जा रहे हैं अपने, ये भी मिल गए यहाँ पे अचानक हमारे ही कुछ। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से ननप्रयाग के लिए, और ये गाड़ी में सीट रख चुके हैं और हमारे गुरुजी बैठ चुके हैं, ये सीट के चौकीदार रखे हुए हैं हमने यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से ननप्रयाग को, और रास्ते के हाल तो पता नहीं आगे कैसा है, देखते हैं आगे जाके ही पता चलेगा कहाँ कहाँ तक पैदल जाना पड़ता है, आने के दिन की तरह हो जाएगा कहीं पूरा पैदल ही चलते रहो। तो दोस्तों ये हमारे दूसरे उस्ताद जी मिल गए, हमारे गुरुजी, हमारे काका श्री, और काका श्री ड्यूटी जा रहे, काका श्री आप ड्यूटी जा रहे आज? हाँ चलते हैं कभी रात की ओर। अच्छा बदीना जा रहे आप? बहुत दिन हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों ननप्रयाग के लिए, आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये ड्राइवर जो है ये अपने बड़े भाई हैं ना के भाई, और ये के भाई की गाड़ी में आज हम ननप्रयाग तक जाएंगे, और वहाँ से हमें ननप्रयाग से चमोली की जो टैक्सी पकड़नी पड़ेगी ननप्रयाग से ढूंढ।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिपाग में। अरे यहाँ भी मिल गए हमारे सारे बेरोजगार प्रदीप भाई। अरे यार कहते यहाँ पे सेल्फ बनाने, इसका सेल्फ उड़ गया शायद मशीन का, ये सेल्फ बनाने आ रखा यहाँ पे। और अभी हम रुके हैं वर्कशॉप पे त्रिपाग में, देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं यहाँ से आगे को। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नंद प्रयाग पे, ये हमारे उस्ताद लोग गुरु लोग करते हैं यहाँ पे गाड़ी का वेट। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से चमोली के लिए गाड़ी पकड़ेंगे सबसे पहले, फिर चमोली से जोशीमठ की पकड़ेंगे, फिर जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए। तो अपना स्टेशन आ गया चमोली वाला। तो दोस्तों यहाँ पे लगी है चमोली की गाड़ी, और ये चमोली की गाड़ी में हम बैठ जाएंगे यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग नंद प्रयाग से निकल चुके हैं चमोली के लिए। आप देख रहे होंगे सामने नंद प्रयाग पुल पे खड़े हैं हम भी, और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं चमोली के लिए। तो चलते हैं चमोली, जैसे कि मैंने बताया वहाँ से हमें आगे देखते हैं कहाँ कहाँ रोड बंद है, आगे की गाड़ी वहीं से मिलेगी, रोड के क्या हाल है आगे से पता चलेगा चमोली जाके। और ये नंद प्रयाग का एक खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के सामने। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों चमोली में, और सामने दिख रहा होगा आपको हल्का चमोली का मार्केट। और फाइनली हम लोग चमोली मार्केट के पास पहुंचने वाले हैं। और यहां से हमें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका आपको कई बार, यहां से हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, जो यहां से आगे की गाड़ी मिलेगी। देखते हैं आगे कहाँ तक मिलेगी, चमोली से जोशीमठ की मिलेगी या रास्ते में सुना है मायापुर में रोड बंद है या मायापुर की मिलेगी। अरे चमोली का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, फिर सामने ब्रिज गोपेश्वर वाला मार्ग, और ये चमोली का जो टैक्सी स्टैंड आप लोग सामने देख रहे होंगे, एकदम सुनसान पड़ा है क्योंकि रोड बंद है। आगे ऋषिकेश से भी बंद है और यहाँ से आगे भी रोड बंद है, इसलिए यात्रा चल नहीं रही, तो उसके कारण एकदम सुनसान पड़ा है। मार्केट भी भीड़ भड़ाका देखने को उस हिसाब से नहीं मिल रही जिस हिसाब से आजकल सीजन के टाइम पर यहाँ पर भीड़ भड़ाका होती है मार्केट में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चमोली में। अब यहाँ से हमने मायापुर की गाड़ी पकड़ी क्योंकि आगे रास्ता बंद है, यहाँ से मायापुर की गाड़ी पकड़ेंगे पहले, फिर मायापुर से जोशीमठ के लिए। तो मिलते हैं सीधे मायापुर में क्योंकि गाड़ी जाने वाली है। तो दोस्तों सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, यहीं पे जो जोशीमठ का पॉइंट है यहीं से जोशीमठ की गाड़ियाँ लगती है। और मैंने भी वहाँ पर गाड़ी में सीट रखी है, जो मेरे साथ के बंदे हैं सूर्य उस्ताद और हमारे काका, और वो भी वहीं पर गाड़ी में बैठे। अभी मैं भी जा रहा हूँ वहीं गाड़ी में। और ये चमोली का मार्केट आप लोग देख लेंगे सामने, चमोली का मार्केट का खूबसूरत नज़ारा। और हम निकलते हैं यहाँ से सीधे जोशीमठ के लिए। अभी तो हमें मायापुर तक जाना है क्योंकि मायापुर में रोड बंद है, वहाँ से गाड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी जोशीमठ की, डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से जोशीमठ की मिल नहीं रही। और ये चमोली का मार्केट देख रहा आप, ये सामने है गाड़ी, इसमें रखा हमने सीट। तो अभी हम लोग चमोली से निकलने वाले हैं, और ये अपने बड़े भाई सूरी दादा, ये अपने काका श्री, और सूरी दादा हमारे साथ जाएगा मायापुर तक क्योंकि सूरी दादा की जो ड्यूटी है मायापुर में ही है। और वहाँ से हम दो जाएंगे चाचा जी और मैं, और हम लोग निकल चुके हैं अभी मायापुर के लिए। फिलहाल ये गाड़ी मायापुर तक की जाएगी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों गडोरा के पास में मायापुर से आगे, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जाम काफ़ी लंबी कतार में लगा है। आगे बता रहे कि यहाँ पे रोड बंद है, देखते आगे रोड की क्या हाल है, आगे देख के पता चलेगा क्या कंडीशन है रोड की, पैदल चलने लायक है या नहीं है। दोस्तों आप देख रहे होंगे रोड की जो कंडीशन है बहुत ही बुरी कंडीशन है, बहुत ही बुरा हाल है रोड की। अब इस राइड यहाँ पे खुल गया रोड में, और पता नहीं कब तक खुलेगा ये, आगे देखते हैं आगे रोड कैसा है। और इधर भी काफ़ी लकड़ी टुकड़ी बह के आ चुकी है रोड में, काफ़ी लैंडस्लाइड हो चुका है। इधर भी देख रहे होंगे दोस्तों आप, इधर भी काफ़ी आगे तक जो मलवा है लैंडस्लाइड का काफ़ी आगे तक गया हुआ है, और रोड एकदम जाम है काफ़ी आगे तक, आगे भी रोड बंद है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मायापुर में, और जैसे कि आपने देखा अभी तक मायापुर के हाल और रोड के जो बुरे हाल हैं, पूरी रोड डैमेज हो चुकी है, बड़ा मुश्किल है ऐसे में सफ़र करना, बड़ा मुश्किलों का सामना करके चलना पड़ा। और जैसे कि आपने देखा अभी तक कि रोड में पूरा मलबा भरा पड़ा है, और आगे भी रोड दो तीन जगह पे ऐसे डैमेज है, और ऐसे चलना पड़ेगा पैदल पैदल, पता नहीं कहां तक आज पैदल पैदल चलना पड़ेगा। और इधर भी देख सकते हैं आप लोग, पूरा रोड एकदम धस चुका है नीचे,
बिल्कुल रोड का एक हिस्सा गायब है और सामने नदी भी काफ़ी उफान पे है। लगता है इस नदी में बादल फटा होगा, जैसे कि परसों बता रहे थे मायापुर में बादल फटा है, मुझे लग रहा है इसी नदी में फटा होगा बादल, क्योंकि यहाँ पे नदी काफ़ी उफान पे है और गाड़ियाँ जो कि तो खड़ी है रास्ते में, लोग जाम में फंसे हैं, पर कभी काफ़ी लंबी कतार में जाम लगा हुआ है जैसा आपने पीछे भी देखा होगा, और आगे भी बता रहे कि कहीं रास्ता बंद है। सबसे पहले हमें यहाँ से बीच में गाड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी, देखते हैं कहाँ तक तो मिलती है गाड़ी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से रास्ता पार कर रहे हैं, पूरा रोड में कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, और नीचे सामने आपको नदी दिखाता हूँ, नदी काफ़ी उफान पे है, और यहाँ पर भी इस नाले में भी बादल फटा था, और आपको सामने कैमरे में दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, और हुआ करता था क्या, यहाँ पर शिव मंदिर था, और ये मंदिर भी पूरी तरह से एकदम जो बादल फटने के कारण लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुका है, और रास्ते का हाल तो आपने देखे ही होंगे, अभी तक बुरे हाल है। फिलहाल हम भी पैदल चल रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक तो गाड़ी मिलती है, कहाँ तक पैदल चलना पड़ता है। हमारे साथ आगे जा रहे हैं हमारे काका जी, काका जी निकल चुके हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग सामने देख रहे होंगे, सामने भी रोड का जो पूरा का पूरा पुश्ता एकदम धस चुका है बाढ़ की चपेट में बादल फटने के कारण, और जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे मंदिर इस घाटी में बता रहे कहीं ऊपर बादल फटा, बादल फटने के कारण इतना बड़ा नुकसान जो हुआ, और इधर भी देख रहे होंगे आप लोग पूरी की पूरी रोड धस चुकी है नीचे, पता नहीं कितने दिनों तक का मेहमान ये रोड अभी और रहेगा इस हालत में, और आगे भी कहीं रोड बंद है, गाड़ियां तो मिल नहीं रही फ़िलहाल हमें यहाँ से उधर जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल आगे के लिए, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी राम भरोसे हम भी चल रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी पैदल चलने के बाद हमें पीपलकोटी में गाड़ी मिल चुकी है, पीपलकोटी से पीछे, और ये हमें आगे पीपलकोटी में जहाँ आगे पीपलकोटी से आगे रोड बंद है वहाँ तक ले जाएगा, और वहाँ तक चलते हैं इस गाड़ी में, और देखते हैं आगे और कहाँ कहाँ पर रोड बंद। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पीपलकोटी मार्केट से 100 मीटर आगे, और यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी काफ़ी मलवा आ रखा है रोड में, और यहाँ पे 100 मीटर लगा है रोड साफ करने में, पता नहीं कब तक खुलेगा, फिलहाल तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे रोड खुलने का, काफ़ी स्लाइड दिख रहा है, निकलते आगे को। तो दोस्तों अभी हम हैं पीपलकोटी में, रोड के हाल आपने देख ही चुके होंगे, एकदम बुरे हाल हैं रोड के, और ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो मेरी मानो कि घर पे ही रहो, अभी घूमने का प्लान अपना कैंसिल करा दो, घूमने के चक्कर में रहोगे तो घूमते रह जाओगे क्योंकि रोडों का हाल ऐसे है कि आदमी पूरा घूमते रह जा रहा है। और जोहार देख सकते आप लोग मेरे सामने है जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी, और इसके पास में भी रोड बंद है, और इससे थोड़ा 500 मीटर आगे भी रोड बंद है, और उससे 2 किलोमीटर आगे भी रोड बंद है, पता नहीं कहाँ कहाँ बंद है, इससे भी 1 किलोमीटर पीछे भी रोड बंद थी गडोरा में भी रोड बंद थी, गडोरे पुल के पास और पूरी रोड बंद, बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो कि चमोली से बद्रीनाथ तक एकदम बिल्कुल बंद है, और बहुत ही मुश्किल है रोडों का हाल मेरे दोस्तों। ये हमारे काका जी ने भी आज पूरे पसीने निकाल दिए अपने, पूरी कसरत पे हैं काका जी, और हम भी काफ़ी पसीने निकल चुके हैं हमारे भी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH7, और जैसे कि मैंने बताया आपको ये है नेशनल हाईवे के हाल, अगर नेशनल हाईवे के ये हाल हैं तो जो हमारे ब्रांच रोडे हैं उनके क्या हाल होंगे, उन पर तो प्रशासन एक एक महीने तक सुनने को तैयार नहीं है कि कहाँ पर रोड बंद है कहाँ पर क्या है, ब्रांच रोडों पे तो प्रशासन जाने को तक तैयार नहीं है। ये नेशनल हाईवे के ये हाल 2 दिन हो चुके हैं इस नेशनल हाईवे को बंद हुए और 2 दिन तक अभी तक रोड ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, पूरा चमोली से जोशीमठ तक पूरा हाईवे एकदम बंद पड़ा है पूरा रोड। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पीपलकोटी से 1 किलोमीटर आगे जोशीमठ की तरफ, गरुड़ गंगा से पीछे और पीपलकोटी से 1 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रोड की हालत, ऐसी हालत है रोड की। आप लोग एक बार मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लो आप पीछे तक
पूरा रोड डैमेज, जैसे कि मैंने बताया चमोली से लेके जोशीमठ तक पूरा NH7 डैमेज। और इधर देख सकते आप लोग कि क्या हाल है रोड के, एकदम बुरा हाल। और यहाँ पे भी एकदम रास्ता ख़त्म है पूरी तरह से, पता नहीं कितने दिन में ये रास्ता खुलेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा, जिस हिसाब से प्रशासन अभी सोई हुई है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि एक हफ्ते तक ये रास्ता चालू हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन एकदम सोई नहीं, वो बोलते गहरी निंद्रा में पड़ी हुई है। सारे लोग आज अपने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपनी छुट्टी मना रहे हैं, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि पब्लिक कितना परेशान है, क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पीपलकोट से 3 किलोमीटर आगे, और आप लोग देख सकते हैं आगे भी रोड बंद है, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ जमी हुई है, काफ़ी मात्रा में लोग कठोर के, और ये यात्री, कुछ यात्री हैं, कुछ अपने लोकल लोग हैं जो इधर उधर जाने वाले हैं। और देख सकते हैं आप जिस तरह से रोड की कंडीशन है, यहाँ पे पूरा 100 मीटर के करीबन जो रोड का हिस्सा है पूरा नदी में समा चुका है, और काफ़ी परेशान लग रहे हैं लोग यहाँ पे। और रोड की हालत दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, रोड की कंडीशन क्या है यहाँ पे, देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान है। और सबसे पहले रोड की कंडीशन देखते हैं, रोड की कंडीशन यहाँ पे खुलने लायक है फिलहाल की नहीं है, और इस हिसाब से तो लग रहा है कि रोड फिलहाल तो खुलने लायक नहीं है। काफ़ी जो रोड का एक हिस्सा है काफ़ी नीचे धस चुका है, और यहाँ पे पैदल पहाड़ी से चढ़ के लोग जो कि इधर उधर कर रहे हैं, और देख सकते लोग किस तरह से टिक्स लेके इधर उधर पहाड़ी से रास्ता पार कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं गरुड़ गंगा से पीछे, और पीपलकोटी से यहाँ तक 4 किलोमीटर का जो सफ़र था पैदल चल के, और काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा रास्ते में रोड की हालत एकदम डैमेज है, बुरा हाल है रोडों के भी, और उससे भी डैमेज इसकी आज अपनी होगी पैदल चल के। 6 किलोमीटर का सफ़र सुबह सुबह घर से मार्केट तक लग गया था, और बीच में भी काफ़ी जगह पर पैदल चलना पड़ा, और यहाँ से भी आ गया अभी 3 किलोमीटर का जो सफ़र है पैदल है। फिर वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे 2-3 जगह पे रोड बंद है, फिर गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेगी, और ऐसे जगह जगह पे रोड बंद है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पागल नाले के पास में, और आप देख सकते हैं इधर रास्ते के हाल बहुत बुरे हाल हैं रोड के। यहाँ पे जाने के दिन भी रोड बंद थी जब मैं घर गया था, और हमें मिल गए यहाँ पे हमारे डिमरी भाई जी, ये भी घर से आ रहे थे, और ये भी मिल गए यहाँ रास्ते में। अब हो गए हम 3 बंदे हो गए बद्रीनाथ के लिए स्टाफ वाले, 2 तो हम पहले से थे, और डिमरी जी भी मिल गए यहाँ पे। और जैसे कि आपने देखा अभी तक रास्ते के बुरे हाल हो रखे, जगह जगह पे लैंडस्लाइड, पूरी रोड डैमेज है, और यहाँ आगे भी रोड डैमेज है शायद लैंडस्लाइड और का JCB वाला लगा है भाई। यहाँ से फिर पैदल, आज दिन भर पैदल चल चल के थक गए, सुबह से 10 किलोमीटर तो चली गए होंगे पैदल, इतना तो चली गए, अभी और कितना पैदल चलना है पता नहीं। चलते हैं आगे जोशीमठ तक, कब तक पहुँचते हैं अभी कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता बिल्कुल डैमेज है, और यहाँ पे जिस दिन मैं घर गया था उस दिन भी पूरा रोड डैमेज था, आज भी पूरा रोड डैमेज है। ये JCB वाला भाई लगा है रोड खोलने में, पता नहीं कब तक खुलेगा, राम भरोसे चल रहा रोड भी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पाताल गंगा में, और जैसे कि आपने अभी तक देखा मेरे पीछे टनल पाताल गंगा का, और हम लोग अभी कहाँ से आए हम पैदल, हम लोग अभी पागल नाले से पैदल चलते चलते पहुंच गए पाताल गंगा। जैसे कि मैंने आज सुबह से बताया आपको कि अभी तक सुबह से 10 किलोमीटर समथिंग पैदल चल गए होंगे हम, 10 से भी ऊपर चल गए, और घर से भी गाड़ी नहीं मिली, 6 किलोमीटर तो घर से निकले पैदल, फिर रास्ते में जगह जगह पे गाड़ी ना मिलने के कारण काफ़ी पैदल चलना पड़ा, और आगे अभी पता नहीं कि कहाँ तक ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों
अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से गुलाब कोटी पे पहुंच चुके हैं और रास्ते में काफ़ी जगह पे पैदल काफ़ी जगह समथिंग अभी तक 12 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं हम सुबह से। और अभी यहाँ आगे पे भी रोड बंद बता रहे हैं, गाड़ी वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया। पतल गंगा से गाड़ी वाले ने चलते चलते हमको यहाँ तक छोड़ दिया था। अब यहाँ से फिर गाड़ी वाला वापस चले गया, रोड बंद थी। आगे देखते हैं आगे स्लाइड कितना तो है, वहाँ से फिर जोशीमठ के लिए गाड़ी लगी होगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी। जोशीमठ की गाड़ी दिखाते हैं आपको आगे का स्लाइड जा रहा भाई साहब काटे जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इधर पूरा रोड डैमेज है, इधर भी गुलाब कोटी में। अरे सामने जेसीबी लगी हुई है, आगे एक्सकवेटर लगी हुई है और यहाँ पे तो काफ़ी सारा मलबा रोड में दिखने को मिल रहा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ में। अरे आप पीछे देख लोगे ये चमोली बस, चमोली टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में। अरे अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पे, देखते हैं सबसे पहले वहाँ पे बद्रीनाथ की गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी का पता करते हैं। अगर गाड़ी होगी तो आगे बद्रीनाथ जाएंगे, नहीं होगी तो आज लगता है जोशीमठ में ही रुकना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा रास्ते में रोड के तो बुरे हाल थे और साथ ही में आज हमारे भी बुरे हाल हो गए पैदल चल चल के। अब तो शरीर पे हिम्मत भी नहीं है कि आगे कहीं और पैदल चलें। तो सबसे पहले गाड़ी ढूंढते हैं, फिर कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाना पीना कुछ खाया नहीं। बात खाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली जोशीमठ में अपने स्टेशन पे। और जैसे कि आपने देखा अभी तक हमने गाड़ी में रख दी सीट, अब थोड़ा यहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से भूखे चल रहे, भूख भी लगी। और पहले खाना खाते हैं तब यहाँ से आगे बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। और चलो गाड़ी भी मिल गई फाइनली हमें, बद्रीनाथ की गाड़ी लगी हुई थी यहाँ पे, आते ही गाड़ी मिल गई, गाड़ी में सीट भी रख दिया हमने। तो खाना खाना खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम बद्री धाम श्री वैकुंठ धाम में। और जैसे कि रास्ते में देखा आपने, काफ़ी मुश्किलों का सामना करके हम लोग फाइनली बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं। तो आज का सफ़र जो है कि बहुत ही एकदम बेकार रहा, 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आज के सफ़र में टोटल। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितना बेकार सफ़र रहा होगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, लाइक करें तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपना प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार।